नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आप सभी के बहुत डिमांड आने पर लेके आए हैं डबल कॉइल मोनो एम्पलीफायर, जो कि 15 इंच के 6 सबवूफर या 8 सबवूफर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप में से कोई भी हमारा भाई इस एम्पलीफायर को यूज़ करना चाहता है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसकी किट और कम्प्लीट हर तरह से आपको सामान मिल जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आप इसे अच्छे से जान पाए। सबसे पहले एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं, तो ये डबल कोयल एम्पलीफायर है। एक मिनट में ऊपर से कैमरा दिखाता हूँ, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर वायर का कार्ड यूज़ किया गया है ताकि इसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। उसके बाद इसकी ऑडियो जो है वो बीटी के अंदर जाती है। बीटी इसकी आवाज़ को मल्टीप्लाई करके एम्पलीफायर सेक्शन को भेजती है। एम्पलीफायर सेक्शन फिर आगे फर्दर हमारे सिस्टम के लिए ऑडियो प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर बीटी के अंदर ये है कि इसके जो फर्स्ट वॉल्यूम है ये मास्टर वॉल्यूम है, जो बेस और ट्रेबल दोनों को एक साथ कंट्रोल करता है। सेकंडली जो बटन है वो बेस के लिए है, सिर्फ एम्पलीफायर सेक्शन के लिए है, मतलब जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं इसके लिए है। इससे आप अपने सबवूफर्स की बेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो ताकि आप अपने सबवूफर की जो क्वालिटी है वो आप एडजस्ट कर पाओ। सेकेंडली जो लास्ट हमारा बटन बचता है वो हमारा स्पीकर्स के लिए है, जिसे हम ट्रबल के नाम से बुलाते हैं। इससे क्या होगा कि आप चाहो तो अपने स्पीकर्स को पूरी तरह से बंद भी कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा भी यूज़ भी कर सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी जगह होती हो जहाँ पर आप पूरी बात नहीं कर सकते या पूरी बेस नहीं कर सकते, तो उस काम में आपके लिए ये बीटी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है हमारा एम्पलीफायर सेक्शन। हमने इसे अलग किया है किट्स के ताकि जो एडजस्टमेंट्स है वो हम आराम से कर पाएँ। पहले एक्चुअली होता यह था कि ये इसके नीचे आता था सेक्शन और एम्पलीफायर का साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाता था, तो हमने आपकी बार कोशिश की है कि इसे थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए ताकि एम्पलीफायर, क्योंकि एक्चुअली भाई ये एम्पलीफायर का अगर जो वेट की बात की जाए तो ये 12 से 13 किलो के आसपास इसका वेट है, क्योंकि हीट सिंक बहुत हैवी यूज़ की गई है इसके अंदर। फिर डबल कॉइल एम्पलीफायर है भाई ये, मतलब कि पूरा हैवी है एम्पलीफायर है। तो ये इसका एम्पलीफायर सेक्शन है, ये इसके प्रीसेट से मास्टर प्रीसेट है, ये लेफ्ट राइट और सबवूफर्स के लिए है। ये 3 कंप्यूटराइज आईसी लगे हैं, बाकी इसका सामान है भाई, ठीक है जी। अब इसके ट्रांजिस्टर्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 12 ट्रांजिस्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 उस तरफ हैं इस बीटी के निचली साइड में। बीटी एक्चुअली हमने हीट सिंक के ऊपर रखी है, इसलिए आप शायद वो नहीं देख पा रहे। यहाँ से आप उसके पैर देख सकते हैं ट्रांजिस्टर्स के, 6 ट्रांजिस्टर उस तरफ हैं, 6 इस तरफ हैं, पूरे 12 ट्रांजिस्टर हैं भाई इसके अंदर। फिर ये इसके आगे एम्पलीफायर सेक्शन को जो अब आगे फर्दर इसे डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए आगे ये लगाए जाते हैं बीटी, ठीक है सर। उसके बाद इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रूबीकॉन के 8 कैपेसिटर्स लगे हैं 4763, जो कि वोल्टेज जो सबवूफर के वोल्टेज हैं उन्हें मेंटेन रखता है ताकि जब बेस बजती है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते, तो एम्पलीफायर की जो पावर है वो स्टेबल रहती है। उसके आगे आप देख रहे होंगे ये छोटी डिब्बी लगी है, इसे रिले बोलते हैं। ये एक्चुअली हम अपने सिस्टम्स को डायरेक्ट वायरिंग नहीं करते, इसके थ्रू ही हम अपनी सिस्टम्स की लाइटिंग को यूज़ करते हैं ताकि जो सिस्टम की बेस जो लाइटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर काम करे। जब बेस हैवी होती है तो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, तो लाइटिंग अच्छी चलती है, और जब बेस कम होती है तो लो लाइटिंग प्रोवाइड करती है। उसके आगे आप देख सकते हो 2 कॉइल्स लगे हैं, ये 60-60 वोल्ट की कॉइल्स है, 120 वोल्ट पर ऑपरेट होता है ये एम्पलीफायर। कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि छोटा एम्पलीफायर है, ये इसका आईसी है जो इसे कंट्रोल करता है। ये इसके डायोड्स लगे हैं, 2-3 उस तरफ हैं, 3 इस तरफ, 6 डायोड हैं इसके अंदर। मॉस्फेट की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 6, 12 P55 इसके अंदर यूज़ किए जाते थे, बट हमने P55 को निकाल कर इसके अंदर एक नया नंबर यूज़ किया है जो कि शिकागो 1000D के अंदर यूज़ होता है। तो हमने कंपनी से डायरेक्ट वो उनके मॉस्फेट्स परचेज़ किए हैं, तो जिसकी वजह से इसके जो वोल्टेज हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेबल रहते हैं और पावर जो है बहुत ही कमाल की रहती है। बैक साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सनवाहा के कैपेसिटर्स लगाए गए हैं ताकि जब बैक साइड से वोल्टेज आए तो अगर बैटरी डाउन भी हो या फिर वोल्टेज बैटरी के प्रॉपर ना हो तब भी इसके जो वोल्टेज हैं आगे जो सिस्टम को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो ड्रॉप आउट ना हो, उनके हैवी कैपेसिटर्स की वजह से उन्हें स्टेबल किया जाए। 40-40 एम्पीयर के 2 फ्यूज लगाए गए हैं ताकि अगर जो कोई मिसहैपनिंग हो या कुछ भी हो तो उस सिचुएशन के अंदर इस सिस्टम को ख़राब होने से बचाया जा सके, ठीक है भाइयों। अब आप लोग देख रहे होंगे ये बीटी, इससे आप अच्छी तरह जानते भी हैं, ये इसके अंदर 2 आईसी लगे हैं। एक आईसी के अंदर से 4 स्पीकर्स की आउटपुट आती है और उन 4 आउटपुट्स के ऊपर आप 8 स्पीकर प्ले कर सकते हो, मतलब कि इस पे वैसे तो 16 स्पीकर ही एक्चुअली अच्छे से प्ले होते हैं। जो आपने अभी
अभी हमारी रिसेंटली वीडियो देखी होगी 185 mm के डबल मैग्नेट के 3 सबवूफर वाले जो हमने सिस्टम बनाया था, उसके अंदर 16 स्पीकर ही थे और 2 ट्विटर्स थे और 3 इंच की वॉइस कॉइल है उसकी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार यूट्यूब के चैनल में जाके जरूर चेक करें ताकि आपको इसकी अच्छी से परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सके कि ये कहाँ तक जाती है। भाइयों, इसकी परफॉर्मेंस का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब ये बजता है तो ये अकेला नहीं बजता भाई, इसे सुनने वाले भी साथ में बज जाते हैं। दूर दूर तक आवाज़ मतलब इतनी ख़तरनाक बेस और पावर जाती है, मतलब जो सुनता है ना वो सुनता ही रह जाता है। एक बार तो बंदा घूम कर जरूर देखता है यार ये चीज़ क्या चली गई, रॉकेट तो नहीं चला गया, ये ऐसी बेस आती है। लोग पाइनर के भी लगा रहे हैं, हम भी पाइनर के लगा रहे हैं, बट जो हम पाइनर के चैम्पियन सीरीज डेवल कोयल 12-12 D4 आ रहे हैं तो उसके वो 4 बूफर लगा लो या ये एम्पलीफायर के साथ वो हमारा सिस्टम लगा लो, एक बराबर परफॉर्मेंस आएगी भाई। जिसे कम बजट में अच्छी बेस चाहिए और पावरफुल सिस्टम चाहिए, सबसे बड़ा फ़ायदा रिपेयरेबल सिस्टम है, कभी ख़राब हो जाए तो रिपेयर हो जाता है। इसके अंदर हमने इतना सिंपल तरीके से इसे बनाया गया है ताकि अगर कोई अनजान बंदा भी इसे रिपेयर करना चाहे तो वो भी इसे रिपेयर कर सकता है। इसे बहुत ही डिटेलिंग से बनाया गया है, आप लोग अगर चाहे तो इसे हमसे परचेज कर सकते हो। कंप्लीट सी एम्पलीफायर भी मिल जाएगा और इसकी किट भी मिल जाएगी, इसका स्पेयर पार्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल किया जाएगा। जैक की बात कर लेते हैं जाने से पहले, तो इसके अंदर ये जैक है, ये सबवूफर की जैक है, इसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव और बीच में लाइटिंग की, ठीक है सर। उसके बाद ये एक जैक स्पीकर्स की है, 1, 2, 3, 4, ये 4 जैक हमारे स्पीकर्स की हैं तो जिसकी मदद से हम लोग आके स्पीकर्स को प्ले करते हैं। डबल कोयल एम्पलीफायर है, मार्केट में बहुत कम है हमें पता है, बट फिर भी अगर हमारा कोई भाई इसे लेना चाहता है तो वो उसे मिल जाएगा। पीसीबी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर किसी भाई को पीसीबी चाहिए तो हाँ हम उसके साथ सामान स्पेयर पार्ट के साथ दे देंगे उसे, ताकि वो अगर अपना बना सकता है तो अपना बनाए, पर भाई उसमें रिस्क रहता है कि पीसीपी लेकर आप डिज़ाइनिंग कैसे करोगे क्योंकि आपको इसका डायग्राम ही नहीं पता। हम बहुत से भाई कमेंट करते हैं भाई पीसीपी दे दो, हम पीसीपी दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसे डिज़ाइनिंग कैसे करोगे भाई, डिज़ाइनिंग नहीं हो पाएगी। उसके लिए या तो आपको हमारा एक बना बनाया एम्पलीफायर परचेज करना पड़ेगा या फिर एक बनी बनाई किट परचेज करनी पड़ेगी, तब जाकर आप आगे पीसीपी ले सके आप उसके एम्पलीफायर बिल्ड कर सकते हो, बट ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इतने बात की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने 6 mm की वायर यूज़ की है मेन में ताकि जो वोल्टेज है वो हैवी तरीके से इसके अंदर स्टेबल रहे, और जब इस सिस्टम को हम प्ले करते हैं तो कम से कम 20 mm की तार बैटरी से लेके आते हैं, अल्टरनेटर से लेके आते हैं ताकि वोल्टेज प्रॉपर रहे। 80 एम्पीयर का फ्यूज हम वहाँ पर भी एक इंस्टॉल करते हैं ताकि सिस्टम को कोई भी तरह का हार्म ना हो, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा गिवन है, एड्रेस हमारा अगर जो आप लोगों का हम बताएं तो यह हमारा BPO हंडेसरा पड़ता है, ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट मोहाली, और नंबर है 7087160352। हमारा जो भी भाई इसे परचेज करना चाहता है या हमसे किसी तरह की कोई एडवाइस लेना चाहता है या कुछ भी पूछना चाहता है या कोई डायग्राम लेना चाहता है, कोई एम्पलीफायर नया या पुराना रिपेयर करना चाहता है या कोई भी रिपेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमसे बेझिझक कॉन्टैक्ट करें, हम और हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक और इसके लिए एक अंदर स्पेशल सिस्टम लेके आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा आपको ट्रायल दिखा देते हैं इस वीडियो के एंड में। तो ये है इन्फिनिटी का 3 सबवूफर वाला सिस्टम। एक्चुअली इसके आप देख रहे होंगे आगे भी थोड़ा स्पेस है, तो एक्चुअली होगा ये कि जो ये इसका लकड़ दिख रही है यहाँ पे अंदरली साइड में इसके घास लगेगा, जो प्लास्टिक वाला घास आ रहा है आजकल मार्केट में, तो ये हमारे एक्चुअली एक भाई ने तैयार करवाया है सिस्टम। तो आगे इसके एक फ्रेम लगेगा, उसके अंदर यहाँ पे आंखें बनेंगी नीचे, मतलब पूरा ईवर लुक दिया जाएगा इसे, और इसके ऊपर सनमैका है अभी, इसके ऊपर लेदर भी चढ़ाई जाएगी। इसकी बैक साइड में भी अगर आपको दिखाया जाए तो इसकी बैक साइड में भी डिज़ाइनिंग की जाएगी, उसके पीछे भी एक फट्टा लगेगा। इसके अंदर 2 एयर क्रॉसिंग है इन्फिनिटी के, इसके अंदर टॉप एंड मॉडल के 3 सबवूफर प्ले किए जा रहे हैं, ये हमारे हैंडमेड सबवूफर पे एम्पलीफायर पे प्ले किया जाएगा। और ये जो स्पीकर्स आप देख सकते हैं ये SS कंपनी के हैं, ये 150 वाट का एक है, और जो डिबेटर्स हैं वो डेपिक के हैं, वो भी 150 वाट के हैं। ये स्पीकर्स लगाए जाएंगे, इसके अंदर ऊपर ओवल जाली लगा दी जाएगी तो कुछ इस तरह का लुक देगा जैसे पाइनर का सिस्टम लुक दे रहा है। पाइनर का सिस्टम का बेस रेट है 19,500 रुपये, अगर वो कोई लेना चाहता है तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। इस सिस्टम का रेट भी जल्दी ही रिवील करेंगे, और एम्पलीफायर का रेट के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें या कॉल करें या फिर हमारी शॉप को विजिट ज़रूर करें। अगर कोई भाई हमारे पास बाय ट्रेन आना चाह रहा है
तो अम्बाला कैंट की ट्रेन लें भाई, अम्बाला कैंट से वहाँ से किसी को भी बोले ऑटो वाले को कि हमें हंडेसरा जाना है, HANDESRA हंडेसरा, हंडेसरा मेन बस स्टैंड पे जैसे ही वो आपको ड्रॉप करेगा सामने ही हमारी शॉप है, आप वहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। शॉप पर आपको हर तरह का एक एक सैंपल ज़रूर दिखाया जाएगा, बाकी जो माल है वो आपको गोदाम से निकाल के बल्क में दे दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी भाई का बड़ा ऑर्डर है तो कृपया हमें आने से पहले एक बार ऑर्डर लिखवा दें तो हम उस ऑर्डर को पहले ही तैयार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।